किमपि तत्त्वमहं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैपायनो विरह कातरयाजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेतु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये हंसा दिव्यः समारंभा सनका अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरुपदं पदां अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्रीमद् वेद व्यास जी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संत भक्तन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का प्रथम दिवस आज शुभारंभ हो रहा है। भागवत भगवान के कलश यात्रा मंगल यात्रा बड़े धूमधाम और आनंद के साथ में निकाली, इसलिए आज की कथा में समय ज्यादा लग गया। उसके बाद पूजन भी हुआ गणेश अम्बा जी का, विराजित सभी देवी देवताओं का। प्रथम दिवस कार्य अधिक, इसलिए कथा भी आज विलंब से सायंकाल समापन का समय हो गया वैसे तो, पर फिर भी आज मंगल में शुभारंभ होना चाहिए। कल से जो समय निर्धारित है उसी समय से आप और हम कथा सुनेंगे। जीव के जन्मों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए किसी देव प्रांगण में आते हैं। जन्मों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब परीक्षित जी एक आसन थोड़ा सामने इधर लगाइए, उन्हें स्पीकर से देखने में दिक्कत हो रही है। आसन थोड़ा गोविंद जी आप इधर कर दीजिए, भागवत जी का दर्शन होता रहे, थोड़ा सामने हो ऐसे बैठ जाए, सावधानी पूर्वक सुखासन में आनंद से बैठिए। ये बात ऐसे बैठे आनंद से। तो जन्मों जन्मों के पुण्य से श्रीमद् भागवत की कथा हमें सुनने को मिलती है, और वैसे हम तो ऐसा मानते हैं कि जन्मों जन्मों के पुण्य नहीं, भागवत की कथा पुण्यों के प्रभाव से नहीं तो काहे से मिलती है जी। पुण्यों के प्रभाव से तो संसार की वस्तुएं मिल सकती हैं, शास्त्र के भाषा के अनुसार देखें तो भागवत की कथा रामचरितमानस भगवान राम की कथा कृष्ण की कथा ये पुण्यों के प्रभाव से नहीं,
ये तो साक्षात श्री राम कृष्ण कृपा करते हैं तब सुनने को मिलते हैं। पुण्यों के प्रभाव से अच्छा शरीर मिल सकता है, पुण्यों के प्रभाव से आप और कुछ कार्य कर सकते हैं, संसार में बहुत अच्छे काम है, पर सबसे अच्छा काम, सर्वोत्तम काम यदि हमारे जीवन का है तो वो है प्रभु की कथा सुनना। ये भगवान कृपा नहीं करे तब तक कोई जीव सुन नहीं सकता। ठाकुर जी रीझते हैं, किसी जीव को अपनाना चाहते हैं। जन्मों जन्मों से भगवान को भूला हुआ जीव परमात्मा से मिलना चाहता है, अथवा तो वह पहुंच नहीं पा रहा है, भगवान कृपा करके उसे हजार हाथों से बुलाते हैं, प्रभु जानबूझ करके उसे अपनाना चाहते हैं, तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। वैसे शास्त्रीय मान्यता है पूर्वजों की बड़ी कृपा से भागवत की कथा सुनने को मिलती है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं। जो चले गए लोग हैं ऊपर के लोकों में बैठे हैं वह आज बड़े दिव्य प्रसन्न हो रहे होंगे परीक्षित महोदय के इस पवित्रतम कार्य से। आपके कुल के सभी पितरेश्वर, सभी देवेश्वर, सभी जितने भी देवी देवता हैं, कुल देवता, कुल देवी, पितरेश्वर, देवी देवता, आपके इष्ट, आपके गुरुजी, आपके ऊपर जो भी जिनको आप मानते हैं वह सभी देव आत्माएं बड़ी प्रसन्न हो रही होंगे, क्योंकि भागवत कथा से बड़ा सत्कर्म भी दूसरा नहीं। इसलिए भागवत की कथा बंधुओं अपने प्रयास से नहीं, भगवान की कृपा से मिलती है। बहुतों के पास में रुपया पैसा है पर भागवत कथा नहीं करा पाते हैं, बहुतों के पास में और भी साधन है लेकिन प्रभु की कथा सुन नहीं सकते, क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। तो भागवत की कथा सुनना और भागवत की कथा कहना, ये दोनों ही प्रभु कृपा से संभव होता है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा तो आप हम बार बार सुनते हैं, हजारों बार सुनते हैं, फिर भागवत की कथा को क्यों सुने हम बार बार जब एक ही कथा कई बार सुन ले। भागवत कहती है जब तक सुनो तब तक, बोले सुनते सुनते तुम स्वयं भागवत न बन जाओ तब तक सुनो। समझ गए ना, भागवत कहते हैं उन्हें किसको, जो भगवान को अति प्रिय हो जाए, भगवान जिसे कभी भुलाए नहीं, कभी छोड़े नहीं, यानी हम भगवान के जब तक इतने प्रिय न बन जाएं कि भगवान हमको कभी छोड़े ही नहीं तब तक हम भागवत सुनते रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो जरा जोर से राधे राधे। तो भागवत की कथा हम जब तक सुनते रहें, जब तक भगवान न मिल जाएं, जब तक हम भागवत की कथा सुने स्वयं भागवत न बन जाएं, जब तक हम भागवत की कथा सुने भगवान के उस लीलामृत का पान पूर्ण रूप से, हाँ हम उस लीलामृत तक न पहुंचे, जब तक भगवान का वह लीलामृत, प्रभु की जो लीलाएं हो रही है वह हमें दिखने न लग जाए, उस दिव्य रस का पान हमारी आत्मा न करने लग जाए, जब तक वहां तक हमारी यात्रा न पहुंचे और उस अमृत को पान करते करते हम प्रभु में न मिल जाए, तब तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते रहो। आपका जीवन गंगा नदी की तरह है, आपका जीवन सरयू की तरह है, आपका जीवन यमुना जी की तरह है। गंगा बह रही है, जमुना बह रही है, सरजू बह रही है, चंबल बह रही है, नर्मदा बह रही है, कावेरी बह रही है, ये सारी नदियां बह रही है, बह रही है, बह रही है, कहां क्यों बह रही है, किसके लिए बह रही है, कहां तक बहेंगी, कहां तक चलेंगी ये नदियों की यात्रा,
बोले जब तक सागर से न मिल जाती है तब तक नदी बहना बंद नहीं करती है, चलना बंद नहीं करती है। समझ गया ना। नदी गंगोत्री से गंगा जी निकली, जमुनोत्री से जमुना जी निकली, बड़ा भारी पहाड़ ने आया रास्ते में, उसने रास्ता रोका और नदियों का रास्ता रोक के कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। पहाड़ कहता है, नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, अपनी यात्रा को मोड़ करके नदी जैसे तैसे सागर तक लक्ष्य बनाया पहुंचना है। छोटा मोटा कोई पत्थर आता है, भट्टा आता है, बहा के ले जाती है, बड़ा पर्वत आता है तो रास्ता मोड़ लेती है, लेकिन लक्ष्य बनाया कि हमें सागर से मिलना है और जब सागर में नदी पहुंच जाती है तो अपना अस्तित्व खत्म कर देती है, फिर वहां सागर का पानी होता है, समुद्र का जल होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सारे रिश्ते नाते ऐसे ही हैं, पर्वत की भांति। अगर छोटी मोटी कोई पत्थर आता है, कोई कचरा आता है, नदी बहा के ले जाती है, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, जब तक हम परमेश्वर से न मिल जाएं, भगवान से न मिल जाएं, हमारे साथ कोई चले तो अच्छी बात, पर्वत की तरह खड़ा हो गया सामने कोई भी रिश्ता तो चाहे उस यात्रा को बदल दो, पर जब तक भगवान न मिल जाए तब तक यात्रा को रुकने नहीं देना चाहिए। जब परमात्मा से जब तक एक न हो जाए तब तक हमारी यात्रा उसी तरह चलनी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा यही तो करती है बंधु, गोविंद से मिलाती है, भगवान से मिलाती है। इसलिए आप लोग बड़े सावधानी पूर्वक आसन लगाकर श्रीमद् भागवत की कथा सुने। आज आप सब लोगों ने मंगलमय कलश यात्रा भी निकाली बड़े आनंद के साथ में, साधु संतों के परम सन्निधि ब्राह्मण देवता सभी विराजे हैं और आप और हम मिलकर के यहाँ कथा सुन रहे हैं। तो आइए भागवत के महात्म का श्रवण करते हैं, आज जितनी देर हो सकेगा सुनाएंगे आपको। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं बंधुओं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, मंत्र हैं। ये इतना बड़ा पुराण है, पुराण इसको पुराण कहते हैं, पुरा न, पुरा मतलब पुराना, न मतलब नहीं, जो कभी पुराना नहीं हो उसी का नाम है पुराण। आज से हजारों वर्ष पहले सुना गया तब भी नया लगता था, आज सुनते हैं तो भी नया लगता है और आगे सुनेंगे तब भी नया लगेगा। ये ऐसा 12 स्कंद वाला बड़ा सुंदर दिव्य पुराण है बंधुओं, और इस पुराण में 18,000 मंत्र हैं, अनेक छंदों में मंत्र हैं, बढ़िया बढ़िया राग रागनियों में गाइए उन मंत्रों को, कैसा रस बरसता है। श्रीमद् भागवत तो गीत है, सुंदर गीत है, सुखदेव जी जैसे महामनीषियों का गाया हुआ गीत है। बंधुओं ये श्रीमद् भागवत के सुनने से होता क्या है, हमें बार बार क्यों सुननी चाहिए, इसके सुनने से किसको क्या फायदा हुआ पहले कभी, ये सारी बातें भागवत के महात्म्य में बतलाई गई है। पद्म पुराणों पद्म